मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज हमने विजिट किया है दरवेश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऑफिस और हम आपको विजिट करवाएंगे इनका साइट ऑफिस भी और इनकी साइट भी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये एक इंतहाई बेहतरीन और यूनिक आइडिया लेके आए हैं। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे प्रोजेक्ट है इनका और ये प्रोजेक्ट ऑटो पार्ट्स मार्केट है और इसकी लोकेशन मेन सीपैक नॉर्दर्न बाईपास कराची का, जो कराची में जो सीपैक का रोड आ रहा है, जो जोन लग रहा है, जो कि उसकी विड्थ भी 600 फीट है। मेन नॉर्दर्न बाईपास पे मेन सीपैक पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है और ये ऑटो पार्ट्स प्लाजा है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये टोटली ग्रीन एनर्जी पे इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसकी जो डेवलपमेंट है, जो लोकेशन है, जो इसकी प्लानिंग है, सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और अजमत भाई हमें इसकी सारी ब्रीफिंग देंगे। हम इनसे टर्न बाय टर्न सारी चीज़ें पूछेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो से आपको आपकी बिजनेस का जो प्रॉब्लम है, जो इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो एक आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं जिसमें आप बहुत छोटी सी मीगर अमाउंट से, छोटी इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो चलते हैं अजमत भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अजमत भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह हमने विजिट किया आपके ऑफिस को और आप ये जो एक यूनिक आइडिया लेके आए हैं इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या और इससे किस तरह से आपने ये प्लान किया, कैसे आपके ये आइडिया क्लिक हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आप मेरे ऑफिस आए, आपने मुझे टाइम दिया अपने कीमती टाइम में से। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के होते हैं कि प्रोजेक्ट दो नंबर तो नहीं है, बिल्डर को ऐसा तो नहीं है कि भाग जाएगा, जो वादा आज आप हमसे 5 साल पहले कर रहे हैं, जब 5 साल बाद आप पोजीशन दे रहे हैं तो क्या चीज़ उन वादों पर आप उतरेंगे? तो इनके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकेशन की, स्टेप बाई स्टेप चीज़ों को लेकर चलते हैं। पहली चीज़ सबसे आगे लोकेशन, इसकी जो लोकेशन जैसा आपने बताया ये है मेन नॉर्दर्न बाईपास पर। अब जो आपका मेन नॉर्दर्न बाईपास है ये सी पैक रोड हो गया है, गवादरा से लिंक होता हुआ ये आपको आ रहा है, हाईवे को लिंक कर रहा है। टोटल ये है 740 स्क्वायर फीट का रोड, जिसमें से 140 स्क्वायर फीट जो है वो आपका आ गया सर्विस रोड और 600 फीट का जो है आपका मेन नॉर्दर्न बाईपास चल रहा है। और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मेन नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर ही मौजूद है, जिसके अगर आपने गुलशन मेमार देखा हो या लोगों ने नाम सुना हो तो गुलशन मेमार से जो है वो 1.6 किलोमीटर की ड्राइव पर, अगर हम उसको मिनट्स में काउंट करें तो 10 से 12 मिनट्स का यहाँ से ड्राइव है गुलशन मेमार से नॉर्दर्न बाईपास की हमारे प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों जैसे आपने इसकी लोकेशन के बारे में जाना, जी जी, तो असद भाई आप थोड़ा सा इसमें हमें इस बारे में भी बताइए कि लोकेशन तो नो डाउट इसकी प्राइम हो जाती है और इसे मल्टीपल जो है वो बेस लग रहे हैं, जिसमें गुलशन मेमार और इस बार और लास्ट ईयर जो मवेशी मंडी वो भी इसी नॉर्दर्न बाईपास पे आ चुकी है और इसके अलावा अल हबीब रेस्टोरेंट जाना पहचाना नाम जो कि M9 और M10 का एज है। बिल्कुल, तो वहाँ से जो डिस्टेंस बनता है वो अप्रोक्स आई थिंक इसका 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस, अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस और फास्ट ट्रैक रोड है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने उस पर कई बार ट्रैवल किया है तो मैंने तो यही जज किया है कि अप्रोक्स हम 2 to 3 मिनट्स में वहाँ से टोल क्रॉस करके यहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेमार से आप बता रहे हैं कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 10 से 12 मिनट के ड्राइव पर गुलशन मेमार से आप बिल्कुल वहाँ खड़े होंगे। अभी रोड जो है ये रोड की हालत अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली, सी पैक कंप्लीट होगा तो ये रोड भी डेफिनेटली रिबिल्ड किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट। बिल्कुल ऐसा ही है, तो 1.5 मिनट की ड्राइव होगी। अच्छा, इसमें आप बताइए कि ये जो स्पेशल चीज़ आप जो लेके आए हैं, जो कि एक सरप्राइज भी है, एक थोड़ा सा गिफ्ट भी है, तो वो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इसकी जो आपने प्लानिंग की है पावर एनर्जी के लिहाज से वो क्या है? देखें, बहुत सारे लोग जो हैं वो कराची में कारोबार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, बट हम जो चीज़ें फेस कर रहे हैं आज कराची में या पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कि जितना जो है बंदा अपने बिजनेस से कमा नहीं रहा उससे ज़्यादा वो अपने बिल्स में पे कर रहा है, तो ये एक बड़ा बहुत ज़्यादा बिजनेस जो हमारी कम्युनिटी है उनके बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ पे कि जितने हमारी अर्निंग नहीं है, जितनी हमारी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा तो हम अपने बिल्स दे रहे हैं, फिर साथ साथ और भी बहुत सारे जो खर्चे हैं, दुकान का रेंट है, एक्सपायर और भी चीज़ें हैं, तो इस वजह से जो है वो लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही हैं बिज़नेस करने के अंदर।
अब हमारा जो ये पूरा प्लाजा है ये हमने बनाया है स्पेयर पार्ट्स के हवाले से, और इसकी जो प्लानिंग है हमारी वो प्लानिंग यही है कि पूरा प्लाजा हमारा सोलर बेस्ड होगा। अब इसमें लोअर ग्राउंड से लेकर फोर्थ फ्लोर तक के हमारी जितने भी हैं शॉप्स यहाँ पर, वो सारी शॉप्स हमारी सोलर बेस्ड होंगी। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल हर शॉप का सोलर लगा हुआ हो, पूरी प्लानिंग हमारी ऐसी हुई है इस प्लाजा की कि जिसके रूफ पर सराउंडिंग में हर जगह हम लोगों ने सोलर इंस्टॉल किया है जो आपकी पूरी बिल्डिंग को एनर्जी सप्लाई कर रही है। तो व्यूअर्स आपने जाना कि जैसे माशाल्लाह से पाकिस्तान में जो है अल्लाह ताला की नेमत है, ये जो हमें सनलाइट मिलती है और ये जो सोलर एनर्जी मिल रही है, तो उसी से फ़ायदा उठाते हुए ये दरवेश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अपने पूरे को पूरे मॉल को आपके पूरे के पूरे बिजनेस को कन्वर्ट कर दिया सोलर पावर पे, और जिससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कमर्शियल बिलिंग जो है पाकिस्तान में बहुत हाई है, तो उस लिहाज से आपकी बिलिंग जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो असलम भाई, इसमें आप थोड़ा सा हमें इसके एनओसीज के बारे में, इसकी लीगैलिटी के बारे में, क्योंकि आजकल जो है फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हैं, स्कैम्स बहुत हैं, और हर शख्स जो है वो बहुत डरता है कि हम किस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ें और किस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएँ। तो ये समझ में नहीं आ पाता है कि कौन सा लीगल प्रोजेक्ट है, कौन सा अप्रूव्ड है, एनओसीज हैं, तो आपने इसके लिए पेपर वर्क के लिए जो है वो क्या वर्क किया है आपकी? देखिए, हमारे पास जितनी भी एनओसीज हैं यहाँ पे, जो भी इदारे जहाँ से एनओसीज अप्रूव होती है, हमारे पास एसबीसीए की एनओसी आज मौजूद है, हमारे पास एमडीए की एनओसी आज मौजूद है, हमारे पास के इलेक्ट्रिक की एनओसी आज मौजूद है। तो एनओसीज हमारे जितनी भी हैं, लीगल वर्क हमारा जितना भी है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट है। इस पर ऐसा नहीं है कि हमने प्लाजा लॉन्च कर दिया और लीगल वर्क हमारा बाद में कम्प्लीट हो रहा हो। प्लाजा लॉन्च करने से पहले आज ऑफिशियली 14 अगस्त को हमारी प्लाजा की जो है वो इनॉग्रेशन है, तो इससे पहले पहले हमारा जितना भी लीगल वर्क था, जितनी भी हमारी एनओसीज थी, जितनी भी हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन थी, वो सब हमने कंप्लीट करके रखी है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा मेरे पास इस पेज पर तीनों एनओसीज लगी हुई है, प्रिंट आउट हुई है, जो कि एमडीए की एनओसी भी मेरे पास मौजूद है, के इलेक्ट्रिक की एनओसी भी मेरे पास मौजूद है, और एसबीसीए की एनओसी भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ओके, तो ये आपने इनॉग्रेशन से पहले ही जो है वो हमारा पेपर वर्क सारा कंप्लीट हुआ है। अदरवाइज बहुत से बिल्डर्स ये करते हैं कि जी हमारी एनओसीज आ रही है, अप्रूवल पे हैं, जी पाइपलाइन में हैं, वो आ रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएंगे, और उसमें ऐसा भी होता है कि वो अप्रूव हो या ना हो, कुछ उसका कंफर्मेशन नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपकी ये तमाम एनओसीज हमारे पास मौजूद है। ओके, और चलेंगे एनओसीज को तो हमने देखा माशाल्लाह से, और अभी हम आपकी साइट को भी विजिट करेंगे, बिल्कुल, तो वो भी हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें 14 अगस्त के अकॉर्डिंगली, जो आपकी स्पेशल ऑफर्स हैं वो भी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या डिस्काउंट्स हैं, क्या ऑफर्स हैं। देखिए, हमारे पास डे पे नो डाउट के ये बिल्कुल बड़ा खुशी का मौका है, अच्छा एक इवेंट है हमारे लिए। इस खुशी के मौके पे आप हमारे व्यूअर्स की खुशी को चार चांद कैसे लगाएंगे? देखिए, हमारे पास जो डिस्काउंट डेट जो हमारी प्री लॉन्चिंग अभी ऑफर चल रही है वो वैलिड है 31 अगस्त तक। 14 अगस्त को हम लोग इसकी ऑफिशियली ओपनिंग करी थी आज, बट हमने प्री लॉन्चिंग रेट अपना कंटिन्यू रखा है 31 अगस्त को। 1 सितंबर 2024 से जो है वो हमारे रेट रिवाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब जो हमसे 31 अगस्त से पहले पहले हमारे पास बुकिंग करवाता है, वो सबसे लोएस्ट बुकिंग 1 लाख रुपीज़ से हो रही है, जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट सबसे मिनिमम जो है वो 10,000 रुपये। इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि महीने में एक दफ़ा अगर दोस्त गैदरिंग फैमिली कहीं खाना खाने जाते हैं, तो इससे ज़्यादा तो आपका बिल बन जाता है खाने का। तो जो आपकी छोटी सी अमाउंट है, जो आपके छोटा सा एसेट, आप जब 10,000 रुपये मंथली अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वही आपका एक एसेट बन रहा है। 3 साल से 5 साल का हमारा एक कस्टमाइज पेमेंट प्लान है। कोई कस्टमर हमसे बोलता है कि मैं 3 साल में पेमेंट कंप्लीट कर दूंगा अपनी, तो ओके 3 साल तक उसका पेमेंट कंटिन्यू करेंगे। किसी को पेमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, 5 साल में कस्टमर बनवाना चाह रहे हैं प्लान, तो 5 साल का इसका पेमेंट प्लान भी हमारे पास मौजूद है। और दूसरी चीज़, सबसे अच्छी बात जो इसके अंदर ये है वो यही है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ही लोएस्ट इसके अंदर जो है वो बुकिंग हम लोग ले रहे हैं 1 लाख रुपये, और जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 7,000 से लेकर 10,000 रुपये तक। तो माशाल्लाह ये तो बिल्कुल फ्रेंडली इसका जो है वो पैकेज रखा है आपने, क्लाइंट फ्रेंडली, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ईजी प्लान है। हर शख्स, हर फैमिली इजीली अपनी सेविंग से ये कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। कहा जाता है कि बिजनेस से घर बन जाया करते हैं, घर से बिजनेस बनना वो मुश्किल काम होता है, तो इसीलिए हम अपने व्यूअर्स के लिए ये कमर्शियल प्रोजेक्ट ले आए हैं, ताकि आप अपनी अच्छी इनकम सेट कर सकें, और उसके बाद अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो आप उसी बिजनेस से इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है अपना जाती घर भी जो है वो उसके भी मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको अब साइट भी विजिट करवाते हैं, और आपने जाना कि कितना फेवरेबल पैकेज
और कैसा ज़बरदस्त प्लान आपके लिए आ गया है, यानी जो प्लाजा की ऑटो पार्ट्स मार्केट है और फेडरल भी एरिया में वाटर पम्प चुरंगी पे जो ऑटो पार्ट्स मार्केट है उससे कहीं बड़ी और कहीं यानी ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ और इतने वाइड रोड पे, इतनी प्राइम लोकेशन पे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो हमारी जितनी भी होलसेल मार्केट्स हैं ये नियर फ्यूचर में ये ट्रांसफ़र हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं सबकी सब इसी सी पैक पे। तो ओल्ड सिटी की जो होलसेल मार्केट्स हैं वो इस तरफ आ रही हैं, वहाँ सिटी बहुत कंजस्टेड हो चुका है जिसकी वजह से मोस्टली जो कस्टमर्स हैं वो वहाँ विजिट नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ जो है आपको ट्रैवल करना, मूव करना भी इजी हो जाएगा और ऑटो पार्ट्स के लिए जो है ये आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी सजेशन यही है कि बजाय इसके कि ये इनकी जो लिमिटेड शॉप्स हैं, ये जो प्लाजा है वो बुक हो जाए, उसमें आपके लिए शॉप ना बचे, इसलिए बेहतर यही है कि जल्द से जल्द आप इन्हें विजिट करें और फौरी तौर पे इस डिस्काउंट ऑफर को भी हासिल करें, अपनी शॉप को बिजनेस करें और अल्लाह ताला उसमें खूब बरकतें डालें। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।